स्वार घाट में रसायन से भरपूर हरी सब्जी की वजह से एक महिला मौत के मुंह में जाते जाते बची है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वार घाट की, जहाँ पर एक महिला ने बाजार से सुंदर सी दिख रही एक लौकी को बाजार से लाया और उसका जूस निकाल कर पी लिया, क्योंकि महिला पहले भी लौकी का जूस पीती रही थी और इस तरह लौकी घर ले जाकर लौकी का जूस बनाया और पी लिया। लेकिन महिला को बेहद कड़वा तथा अजीब लगा और थोड़ी देर बाद महिला की तबीयत खराब होने लगी। लेकिन महिला ने जैसे तैसे जूस को निगल लिया, लेकिन महिला की तबीयत खराब होती गई तथा उसे खून की उल्टियां शुरू हो गई। महिला को पीएचसी स्वार घाट पहुंचाया गया, जहां पर उसकी खराब हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उस महिला को नालागढ़ अस्पताल रेफर कर दिया गया। 3 दिन के चले इलाज के बाद चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बाद कहीं जाकर महिला की जान बच पाई। चिकित्सकों के अनुसार लौकी पर अधिक रसायन युक्त छिड़काव होने से लौकी जहरीली हो गई थी, जिससे महिला को फूड पॉइजनिंग हो गया था और वो महिला के शरीर पर ज्यादा फैल गया, जिस कारण महिला की तबीयत बिगड़ती गई। अगर कहीं थोड़ी चूक हो गई होती तो महिला की जान जा सकती थी। मैं नीरा ठाकुर बोल रही हूँ। मैंने एक दिन लौकी का जूस पिया और उसे पीने से मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले भी पीती थी, 2 महीने 3 महीने से लगातार पी रही थी। पहले लोकल होती थी, घर की जो लौकी होती थी गांव से आती थी, उस दिन दुकान से लाए थे, दुकान से पहले भी लाते थे। जो उस दिन की लौकी थी ना, वो देखने पर अच्छी थी, फ्रेश थी, हरी थी। जब उसका जूस निकाला तो इतना कड़वा था ना वो जूस, कड़वा कि बेहद। फिर भी मैंने सोचा शायद ऐसे मेरे को लग रहा होगा, मैंने पी लिया। उसको पीने के बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैं बस मौत के मुँह से वापस आई। मेरी यही है सबसे रिक्वेस्ट की जिम्मेदार भाइयों से कि सब्जी में ऐसी दवाई का प्रयोग मत करो, किसी की जान ही चली जाए, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान मत करो। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में दवाई का छिड़काव ना करें और छिड़काव की हुई सब्जियों को 3 से 5 दिनों तक इस्तेमाल ना करें। उन्होंने बताया कि सब्जियों को काट कर नमक वाले पानी में धो लें, ताकि सब्जियों में किया हुआ दवाइयों का छिड़काव खत्म हो सके और फूड पॉइजनिंग ना हो सके। देखो सर, जो ये जो रासायनिक जो हमारी दवाइयाँ जो सब्जियों पर हम स्प्रे करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि ये सेफ पॉइजन भी है, बट इसमें हम प्रिकॉशन रखना चाहते हैं। प्रिकॉशन मतलब जब आप स्प्रे करते हैं किसी सब्जी पर, जैसे करेले, घिया, तोरी, जो भी है, तो कम से कम 5-7 दिन तक तो जो है वो उसका आपने प्रयोग नहीं करना है। और जब आप उसका 5-7 दिन स्प्रे करने के बाद, ज़्यादातर कम से कम 3 दिन तो नहीं करना है, तो जब 5-7 दिन बाद आप उसको सब्जी प्रयोग में लाएंगे तो उसको आप अच्छी तरह नमक मिला के उनको धो लेना चाहिए। क्योंकि इसमें जो कई बार ऐसा होता है कि ताज़ा स्प्रे लोग करते हैं और दूसरे दिन या उसी दिन जो है उसके यूज़ कर लेते हैं खाने के लिए, तो उसमें फूड पॉइजनिंग का डर रहता है।